Hello my dear students, so your annual syllabus is start from chapter 18, that is time. Okay, so I'm going to start time. So time means you know about jab hum koi bhi kaam karte hain, kuch bhi karte hain, to hum is ek question karte hain, theek hai, ki wo kis time pe hum usko kar rahe hain, theek hai, jab bhi hum koi kaam karne jaate hain, to hume ek duration pata hota hai ki haan morning time pe mujhe ye work karna hai और इवनिंग टाइम पे मुझे ये वर्क करना है, ठीक है। तो वो बेसिकली टाइम मतलब क्या है कि हमें पता होता है कि इस चीज़ से लेकर के इस टाइम तक, इस समय तक हमें वो काम अपना कंप्लीट करना है, ठीक है। तो टाइम स्टैंड्स फॉर मॉर्निंग टाइम एंड इवनिंग टाइम, आफ्टरनून टाइम एंड नाइट टाइम, ठीक। तो टाइम को हम कैसे कैप्चर करते हैं, मॉर्निंग टाइम के बेसिस पे, कि मॉर्निंग टाइम कितना हो रहा है, नून टाइम के बेसिस पे, नाइट टाइम के बेसिस पे और आफ्टरनून टाइम पे, ठीक है। यहाँ मैंने आपको, आप देख रहे होंगे, लिखा है 12 o'clock टाइम और 24 o'clock टाइम। 12 o'clock टाइम का मतलब क्या होता है, मिड नाइट टू नून, यानी कि मिड नाइट रात के जब आपके 12 बजते हैं, ठीक है, रात के जब आपके 12 बजते हैं तो वो आपका कहलाता है क्या, मिड नाइट कहलाता है, ठीक है। तो हम उसको रात के 12 बजे को हम क्या कहते हैं, मिड नाइट कहते हैं, उसको हम 12 o'clock नहीं कहते, ठीक। तो रात में जब 12 बजते हैं तो वो डिनोट होता है 00 से, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, मिड नाइट कहते हैं। और दिन के जब 12 बजते हैं, दिन के 12 बजते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, नून कहते हैं। क्लियर हो गया। तो ये मिड नाइट टू नून तक का ड्यूरेशन, यानी कि रात के 12 बजे से लेकर के 12 o'clock रात में आपका बजा, ठीक है, या तो मैं यहाँ पे बार बार 12 लिख दे रही हूँ, यहाँ पे 00 होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, नाइट, मिड नाइट है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या बज रहा है, इसके बाद आपका बज रहा है 1, 2, 3, 4, ठीक, टिल इलेवन, ठीक। तो इसमें आपका क्या लग जाएगा, एएम यानी एंटी मेरिडियन। ये कैसा टाइम ड्यूरेशन है, नाइट टू नेक्स्ट डे 11 एएम, ठीक है। तो ये कैसा टाइम है आपका, एंटी मेरिडियन है, क्लियर। अब यही टाइम अगर दिन में आपके 12 बज रहे हैं, ये एएम हो गया, एंटी मेरिडियन हो गया, यही आपके दिन के 11 o'clock के बाद आपका 12 बजा, ठीक है। तो 12 को हम ना एंटी मेरिडियन में लिखते हैं, ना पोस्ट मेरिडियन में लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, नून लिखते हैं, क्लियर। तो ये आपकी वैल्यू क्या हो गई, नून हो गई, यानी दिन के 12 बजे तो वो आपका क्या हो गया, नून, उसको हम डिनोट करते हैं 12 से, क्लियर। रात में आपके 12 बज रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, मिड नाइट कहलाएगा, ठीक है, यानी रात के बीच में, ठीक है, मिड नाइट कहलाएगा। तो मिड नाइट जब कहलाएगा तो वहां पे आप 00 से स्टार्ट करोगे, ठीक। 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15, 16, ठीक, टिल मिड नाइट, ठीक है, टिल मिड नाइट। ये आपका क्या हो गया, एक डे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ 12 noon तक, 0 से लेकर के यानी मिड नाइट से लेकर के 12 noon तक आपका एएम हो रहा है, फिर ये 12 9 से लेकर के आपका मिड नाइट तक क्या हो जाएगा, पीएम हो जाएगा। पीएम कहलाता है पोस्ट मेरिडियन, एएम कहलाता है एंटी मेरिडियन, क्लियर, ठीक। तो ये आपका हो गया मिड नाइट तक, क्लियर, ओके। तो ये पूरा सेशन आपका क्या हो गया, वन डे हो गया। वन डे आपको पता है, वन डे इक्वल टू 24 o'clock टाइम, यानी 24 hours, वन डे में 24 hours होते हैं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं 24 o'clock टाइम की, तो हम मिड नाइट से लेकर के पूरा ये नेक्स्ट डे के मिड नाइट तक हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो 12 यहाँ तक, 12 नून हो गया, तो 13, 14, 15, 16, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, 24 hour क्लॉक टाइम। जब यही बात करते हैं 12 hour क्लॉक टाइम की, तो 12 hour क्लॉक टाइम का मतलब हो गया आपका कि हम सिर्फ 12 में इस पूरे 24 को हमने 12 में डिवाइड कर दिया, ठीक है, यानी 12 तक आपका यहाँ बजा, क्लियर। इसके बाद जो 13 बचता है वो इक्विवेलेंट होता है किस पे, 1 pm के। अब इसको चाहे आप 13
आवर्स, ठीक है। अब 14 आवर्स किसमें हो गया, 24 आवर क्लॉक टाइम है, 24 आवर्स सॉरी 14 आवर्स को जब हम किसमें लिखेंगे, 12 आवर क्लॉक टाइम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 PM, क्लियर। अब देखिए जब भी आपको इसको कन्वर्जन आता है, जैसे कि 14 आवर्स को आपको कन्वर्ट करना है 12 आवर क्लॉक टाइम में, ठीक, इसको मैं रब कर देती हूँ तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्लियर। देखिए ये हो गया, जैसे अगर आपको लिखना हुआ 5 AM, ठीक है, ये 5 AM, AM और PM आपका किसमें होता है, 12 आवर क्लॉक टाइम में, ठीक, और 24 आवर क्लॉक टाइम में क्या होता है, आवर्स, इसको हम डायरेक्ट आवर्स से डिनोट करते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है 1 day = 24 आवर्स, अगर दिन के 12 बज रहे हैं तो आप उसको क्या कहोगे, वो आप नून ही कहोगे, चाहे वो 12 आवर क्लॉक टाइम पे हो चाहे 24 आवर क्लॉक टाइम पे, ठीक है। अब जब दिन में ये आपके बज रहे हैं 5 AM, AM का मीन सेंटी मेरिडियन है ना, यानी ये कौन सा टाइम है, 12 आवर क्लॉक टाइम है, ठीक। अब जब हम इसको 24 आवर क्लॉक टाइम में चेंज करेंगे तो 5 AM हो रहा है, मतलब नून से पहले का टाइम हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 5 आवर्स, ठीक, 5 आवर्स। अब यही अगर क्या होता, 5 PM होता, PM यानी नून से कहाँ तक का टाइम, मिडनाइट तक का टाइम, तो ये तो 12 आवर क्लॉक टाइम में PM लगा हुआ है, 24 आवर क्लॉक टाइम इसी में चेंज करेंगे तो हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, 12 में 5 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 17, 12 में 5 ऐड कर देंगे, जो आपने यहाँ वैल्यू दी हुई है, PM की बात कर रही हूँ मैं, AM आएगा तो आपको एज इट इज जो वैल्यू लिखी है यहाँ लिख देना है, 5 AM का 5 आवर्स लिख दिया, ठीक है, 10 AM था तो 10 आवर्स लिख दिया, ठीक। लेकिन यही चीज आपका अगर आ जाएगा 15, तो AM तो होगा नहीं है, फिर ये आप किसमें आ जाएगा, आवर्स में आ जाएगा। अब जब इसको आपको क्लॉक टाइम में चेंज करना है 12 आवर में, तो आप क्या करोगे, 15 को 12 में से माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 3, इसका मतलब ये क्या आंसर टाइम हुआ, 3 PM, ठीक है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक का जो टाइम होता है वो आपका किसमें आ जाता है, PM में आ जाता है। यहाँ देखिए मैंने क्या किया, 17 कर दिया तो ये 5 PM किसमें चेंज हो गया, 17 आवर्स में, तो ये आपका क्या होता है, 12 आवर क्लॉक टाइम, ये आपका क्या हो गया, 24 आवर क्लॉक टाइम। यहाँ पे आपने क्या किया, 24 आवर क्लॉक टाइम को चेंज किया किसमें, 12 आवर क्लॉक टाइम, क्लियर हो गया। यहाँ पे आपकी कुछ वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ना मैं आप कुछ वैल्यूज आपके सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, 16 आवर्स, 16 आवर्स है तो ये किसमें है, 12 आवर क्लॉक टाइम पे है। जब हम इसको 24 आवर क्लॉक टाइम पे है, जब हम इसको 12 आवर में चेंज करेंगे तो 16 को 12 आवर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 16 - 12, ठीक है, 16 - 12 कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 4 PM, ठीक, कितना हो जाएगा, 4 PM हो जाएगा। 7 आवर्स है ना, 7 आवर्स है मतलब कि क्या, आवर्स लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये 24 आवर क्लॉक टाइम है, ठीक, और 7 है यानी कि 12 से कम की वैल्यू है, यानी ये क्या हो जाएगी, 7 AM। नेक्स्ट है 00 आवर्स, मैंने बताया आपको क्या, मिडनाइट, या आप लिख सकते हो 12 midnight, और अगर यहाँ पे 12 आवर्स है तो 12 noon, या 12 ना लिखो तो भी इसका मतलब सेम ही होगा, ये क्या है, मिडनाइट टाइम है, ये क्या है, नून टाइम है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिख देती हूँ, एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ, 17:00 hours, ठीक, 17 आवर्स, तो अब हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है PM में,
वन डे इक्वल टू 24 आवर्स, ठीक, वन आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, वन मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, ठीक, वन ईयर इक्वल टू 12 मंथ, वन मंथ इक्वल टू 30 डेज, क्लियर। ये सब आपकी कुछ वैल्यू है जिससे आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो सपोज ये क्वेश्चन देखते हैं, 4 hours 25 minutes, ठीक है, इसको आपको चेंज करना है। तो आपको किस में दिया हुआ है, आवर्स में दिया हुआ है, आपको मिनट में चेंज करना है। तो जब हम ऐसे सीधे सीधे जो वैल्यूज है, 1 hour equal to 60 minutes है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हाइयर को लोअर यूनिट में चेंज करने के लिए, हाइयर को लोअर में चेंज करने के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई, क्लियर। जब हाइयर यूनिट को लोअर यूनिट में चेंज करते हैं, हम उसके लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आपको ये सीधी सीधी वैल्यू दी है, 1 hour equal to 60 minutes, 1 minute equal to 60 seconds, 1 year equal to 12 months, क्लियर। तो 4 hour into 25 minutes आप करोगे तो क्या करोगे, मिनट्स में चेंज करना है, आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, ठीक है। हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आंसर नंबर 1, ठीक। तो 4 hours को आपको किस में चेंज करना है, मिनट्स में चेंज करना है, क्लियर। तो अगर हमें 1 hour की वैल्यू पता है, 1 hour equal to 60 minutes होते हैं, तो 4 hour equal to कितना हो जाएगा, 60 into 4, क्लियर। 60 into 4 आप करेंगे कितना होगा, 4 0 0 4 6 24 मिनट, यानी 240 मिनट हो गया। ये तो 4 hour को आपने किस में चेंज किया, मिनट्स में चेंज किया, तो 240 मिनट्स हो गया, क्लियर। नेक्स्ट हम अगर 25 मिनट ऑलरेडी मिनट में है, इसको हमें चेंज नहीं करना है, ये वैल्यू को आपने मिनट में चेंज कर दिया है, तो हम ये नंबर को क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, 240 मिनट ये भी है प्लस 25 मिनट ये भी है, ठीक है, कर दीजिए। 0 plus 5 5 4 plus 2 6 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 265 मिनट्स, ठीक। तो आपने क्या किया, 4 hours 25 minutes को मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 265 मिनट्स, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 2, 6 days into hours, डेज इंटू आवर्स, यानी 1 day equal to 24 hours, ठीक है। तो 6 days equal to how many hours, तो आप पहले इसको लिख लीजिए, 1 day, इफ 1 day equals to 24 hours, यानी 1 day में 24 hours होते हैं, तो 6 days में कितने hours होंगे, 6 days equal to 24 multiplied by 6, क्लियर। 6 4, तो मैंने ऑलरेडी बताया है यहाँ पे कि हाईर यूनिट को लोअर यूनिट में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपकी सिंपल वैल्यू है, ये जो वैल्यूज है, 1 day 24 hours 1 hour 60 minutes 60 minutes, तो ये क्या है, ये हाईर यूनिट है, ये लोअर है, ये हाईर है, ये लोअर है, ठीक। 6 4 are 24 2 carry 6 2 are 12 plus 2 14, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 144 hours, यानी कि 1 day में अगर 24 hours होते हैं, तो 6 day में 144 hours होंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 weeks into days, ठीक है, मैंने यहाँ वीक नहीं लिखा है। इफ 1 week equal to 7 days, 1 week में कितने डेज होते हैं, 7 days होते हैं, संडे टू सैटरडे, क्लियर। तो 1 week आप लिखोगे, 1 week equal to 7 days, सो 5 weeks equal to 7 multiplied by 5, ठीक, 7 5 are 35 क्या हो गया आपका, डेज, क्लियर। तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल ये जो वैल्यूज है इसमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कन्वर्जन ऑफ लोअर यूनिट्स इनटू हायर यूनिट्स। इसका मतलब क्या है कि अभी आपका 1 day equal to 24 hours था, तो ये हायर था, ये लोअर था, ठीक है। अभी आपको इसको ऑपोजिट करना है, यानी आपको अब ये देखना है 24 hour equal to 1 day, तो जहां पार्ट करते हैं कन्वर्जन ऑफ लोअर यूनिट इनटू हायर यूनिट,
पूछा क्या गया था आपसे? आवर्स एंड मिनट्स, ठीक है। तो अगर आवर्स आपसे पूछा गया है, मिनट तो आपको दिया गया है, आवर्स आपसे पूछा गया है, जो आपको क्वेश्चन होता है वो क्या होता है? आंसर ऑफ द डिवीजन होता है, ठीक है। तो यही आपसे पूछा गया है नेक्स्ट, यानी आवर्स। हाईएस्ट यूनिट आपकी ये हो जाएगी, लोअर यूनिट ये हो जाएगी, यानी 3 आवर्स हो जाएगा और 55 क्या हो जाएगा? मिनट हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक, 235 को आपने 60 से डिवाइड किया, क्वेश्चन आया आपका 3, रिमाइंडर आया आपका 55, आप अपना डिवीजन यहीं पे लीव कर दोगे। 3 आपका क्या हो गया? आवर्स, जो आपसे पूछा गया है एक्चुअल में, और जो आपको गिवन है लोअर यूनिट मिनट्स में, तो ये आपके रिमाइंडर क्या है? मिनट जो आपको गिवन है। क्लियर? एक क्वेश्चन आपको ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है? 450 मंथ्स इनटू इयर्स एंड मंथ्स, इनटू इयर्स लेते मंथ्स लेते, चलो ठीक है, आप इससे कंफ्यूज हो गए। इनटू इयर्स, मंथ को आपको ईयर में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो आप यहां क्या लिखोगे? 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ, 12 मंथ्स, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? मंथ को आपको ईयर्स में चेंज करना है, यानी इसको भी हमें ऑपोजिट लिखना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? 12 मंथ्स इक्वल टू 1 ईयर। क्लियर? तो 12 मंथ्स हो गया, ये हो जाएगा क्या? 450 मंथ्स इक्वल टू 450 डिवाइडेड बाय 12, ठीक। अब आप 12 से 450 करिए, 12 3 36, 12 4 48, ज्यादा हो जाएगा, 3 टाइम जाएंगे, कितना हो जाएगा? 36। 15 - 6 = 9, 3 - 3 होगा नहीं, 0, 12 6 - 90, 6 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कितनी बार ले जाएंगे? 12 7 - 12 7 हो जाएगा 84, रिमाइंडर आ जाएगा 6, इससे ज्यादा आप इसमें डिवीजन नहीं कर सकते हो। तो 37 आपका क्या आ गया? जो आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था? ईयर्स पूछा गया था, तो 37 आपका क्या हो जाएगा? ईयर आ जाएगा और 6 क्या हो जाएगा? मंथ, ठीक है। तो हो जाएगा 37 ईयर और 6 मंथ्स, क्लियर? जो वैल्यू आपको दी रहती है, जैसे ये वैल्यू हो गई आपकी 1 week इक्वल टू 7 days, ठीक है, 1 year इक्वल टू 12 months, ठीक। तो ये आपकी कैसी स्ट्रेट स्ट्रेट वैल्यू है, यानी ये हाईर ये लोअर, ठीक है। जब इसी को ऑपोजिट कर देते हैं तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? डिवाइड। और जब सीधा सीधा